मेरिट्रिशस, मेरिट्रिशस, मेरिट्रिशस। द वर्ड मेरिट्रिशस मीन्स सीमिंग वेरी अट्रैक्टिव बट इन फैक्ट हैविंग नो रियल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, सम सुपर स्टार्स क्लेम दैट फिल्म इंडस्ट्री इज मेरिट्रिशस। अनदर एग्जाम्पल, सम रिपोर्टर्स ऑल्सो क्लेम दैट जर्नलिज्म इज ऑल्सो मेरिट्रिशस। टू बेटर योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड टू ग्रूम योर पर्सनैलिटी, कीप फॉलोइंग माई आईडी, दैट्स गौरव मोटिव ग्रूम। ओ बी एस सी ई एन ई। द करेक्ट प्रोनंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज अबसीन, नॉट ऑबसीन। अबसीन का मतलब होता है अश्लील। अबसीन फोन कॉल्स, अबसीन मैसेजेस, अबसीन लैंग्वेज, अबसीन पिक्चर्स। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज एप्रीहेंडेड बाई द पुलिस फॉर मेकिंग अबसीन फोन कॉल्स। टू बेटर योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड टू ग्रूम योर पर्सनैलिटी, कीप फॉलोइंग माई आईडी, दैट्स गौरव मोटिव ग्रूम। सर, आप ना बहुत बिजी रहते हो, तो आप एक बंदा क्यों नहीं रख लेते जो आपका प्रोडक्शन संभाल ले? सही कह रहे हो मन, अब तो मुझे भी ऐसा फील होता है कि आई रियली नीड अ मैन फ्राइडे। ओ सर जी, फ्राइडे आ फ्राइडे। सर तुसी याद कीता ते मैं हाजिर। एक तो फ्राइडे सुन के पता नहीं इसे क्या हो जाता है। खैर, जो मैंने टर्म इस्तेमाल किया, मैंने कहा अ मैन फ्राइडे। अ मैन फ्राइडे इंग्लिश में उस व्यक्ति को कहा जाता है जो बहुत भरोसेमंद हो, वफादार हो और ईमानदारी से आपके काम में आपका हाथ बटाए, उसे अंग्रेजी में मैन फ्राइडे कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई रियली नीड अ मैन फ्राइडे। वैसे हरमीत, तुम भी मेरे मैन फ्राइडे हो सकते हो। ओ सर जी, फ्राइडे तो है ही है, ते मैन फ्राइडे भी बन जाएंगे। चलिए, मुझे तो मेरा मैन फ्राइडे मिल गया। और आप लोग अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव रूम को फॉलो करें। जे मेरे को पैसे होंगे तो मैं रिक्शा ही कर लेंदा, पैदल ना चल रहा। पाजी, ये लो पैसे, रिक्शा कर लेना। थैंक यू दीदी। जे मेरे को स्कूटी होंगी तो मैं रिक्शे से क्यों जाता? हेलो पाजी, स्कूटी की चाबी तुहाडी ऐप से। थैंक यू ब्रो। जे मेरे को गड्डी होंगी तो मैं स्कूटी से क्यों जाता? हे, टेक माय कार, इट्स योर्स नाउ। थैंक यू ब्रो। जे मेरे को हेलीकॉप्टर होंगा। ऐसा व्यक्ति जो कभी संतुष्ट ना हो उसे अंग्रेजी में इनसेशिएट कहा जाता है। और कभी संतुष्ट ना होने वाली इच्छा इनसेशिएबल डिजायर, कभी खत्म ना होने वाली भूख इनसेशिएबल हंगर, और कभी खत्म ना होने वाला लालच इनसेशिएबल ग्रीड। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरी आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। ओ सर जी, कल है मेरा इंटरव्यू, कल। अच्छा, कल इंटरव्यू, तो तैयारी हो गई पूरी? सर जी, एकदम पक्की तैयारी, एकदम पक्की। हुन तो टाई भी कसली मैं। करण, बहुत बड़ी कंपनी है, इंटरव्यू क्लियर तो कर लेगा। ओ सर जी, कंपनी बड़ी होवे छोटी, इंटरव्यू तो मैं एवे पास करंगे एवे। करण, वैसे एक बात तो है यार, तेरे में कॉन्फिडेंस बहुत है। हाँ सर जी, कॉन्फिडेंस तो मेरे अंदर कुट कुट के भरा है। करण में कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा हुआ है। इसके लिए अंग्रेजी में एक्सप्रेशन होता है टू ब्रिम विथ कॉन्फिडेंस, यानी किसी में कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा होना। फॉर एग्जाम्पल, करण इज ब्रिमिंग विथ कॉन्फिडेंस। और इस वर्ड कॉन्फिडेंस की प्रोनंसिएशन कॉन्फिडेंस होती है, कॉन्फिडेंस नहीं। यस सर, आई एम ब्रिमिंग विथ कॉन्फिडेंस। आप लोग भी इसी तरह से कॉन्फिडेंट बनिए। और ऐसे कॉन्फिडेंस के लिए जरूरत होती है अच्छे इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए।